नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईएसआईसी बीटा ने 50 रिक्तियों के लिए जारी किया वॉक इन इंटरव्यू। सोनपुर मेले में जीविका दीदी के लिट्टी चोखे के बढ़ी डिमांड। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में पंकज त्रिपाठी निभाएंगे मुख्य किरदार। भारत के लिए 2022 में किसने बनाया सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन। खर्चे का हिसाब दे कॉलेज व विश्वविद्यालय, नहीं तो रुकेगा ग्रांट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईएसआईसी बीटा ने 50 रिक्तियों के लिए जारी किया वॉक इन इंटरव्यू। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीटा पटना ने विभिन्न स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के कुल मिलाकर 50 रिक्तियों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू नोटिस जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रेलिवेंट डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। वॉक इंटरव्यू की तारीख 22 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामचंद्र मांझी की। रामचंद्र मांझी एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार थे, जो लौंडा नाच कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। वह भिखारी ठाकुर की नाटक टीम के सदस्यों में से एक थे। अपने जीवन में उन्होंने सुरैया, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, हेलन आदि जैसे कई बड़े नामों के सामने प्रदर्शन किया है। 2017 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। हालांकि उनका सम्मान 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। जनवरी 2021 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने लौंडा नाच पर नाच भिखारी नाच नाम की 72 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया। जानकारी के लिए बता दें कि रामचंद्र मांझी बताते थे कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुरु भिखारी ठाकुर के साथ स्टेज पर पांव रख दिया था। इसके बाद वह 1971 में भिखारी ठाकुर की छाया तले ही कला का प्रदर्शन करते रहे। 97 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को हृदय संबंधी बीमारी के कारण IGIMS पटना में उनका निधन हो गया। पटना में कहां बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। पटना में अब बुलेट ट्रेन को लेकर काम शुरू होता दिख रहा है। बता दें कि इस बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में 3 जगह स्टेशन बनाने का काम शुरू होना है, जिसमें पहला बक्सर है, वहीं दूसरा और तीसरा जगह पटना और गया है। वहीं अगर बात करें कि पटना में किस जगह पर बुलेट ट्रेन के स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा, तो मिली जानकारी के अनुसार पटना के फुलवारी या फिर बीटा इलाके में एक स्टेशन का निर्माण कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इसे लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर स्टेशन का निर्माण फुलवारी में होता है तो पटना के लोगों को करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वहीं अगर बीटा में स्टेशन का निर्माण होता है तो उसके लिए पटना के लोगों को करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ऐसे में भविष्य की योजनाओं को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि स्टेशन का निर्माण पटना के एम्स के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सोनपुर मेले में जीविका दीदी के लिट्टी चोखे के बढ़ी डिमांड। एक महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले में इस बार बहुत कुछ अलग अलग चीजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किसी को जीविका दीदी का लिट्टी चोखा, तो किसी को खगड़िया का पेड़ा, तो वहीं किसी को नालंदा की लहठी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल 2 नवंबर से शुरू हुए हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले में कुल 12 जिले से आई जीविका दीदियों ने 36 स्टॉल लगाए हैं, जहां अलग अलग उत्पादित सामग्री की बिक्री की जा रही है, जिसमें जीविका दीदियों के लिट्टी चोखे की डिमांड बढ़ गई है। वहीं खगड़िया से पेड़ा तथा सुपौल से खाजा की बिक्री खूब की जा रही है। नालंदा की लहठी, पूर्वी चंपारण से सिप ज्वेलरी, बांस कलाकृति तथा दरभंगा से पर्स इत्यादि की बिक्री की जा रही है। बिहार की खूबसूरती बनी प्री वेडिंग सूट के न्यू डेस्टिनेशन। प्री वेडिंग सूट को लेकर अब बिहार की खूबसूरती भी लोगों को काफी पसंद आने लगी है। पटना शहर के विभिन्न फोटोग्राफर के अनुसार बिहार में पहले पटना ही एक लोकेशन था जहां सबसे ज्यादा प्री वेडिंग सूट होती थी, लेकिन अब बिहार के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट, कैमूर की पहाड़ियां, डैम और वाटरफॉल, बिहार के ऐतिहासिक स्थल पर भी फोटो शूट के लिए जा रहे हैं। बता दें कि लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा बिहार के जिन जगहों पर शूट करवाना पसंद किया जाता है, उनमें मधुबनी के राजनगर, कैमूर के कर्मचट डैम, तिलहर वाटरफॉल, जगदवा वाटरफॉल के साथ बांका के केमचंदन डैम, विलासी डैम जैसे कई स्थान शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में इस तरह का प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए 25,000 से 45,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं जब बिहार के विभिन्न जगहों पर शूट करवाई जाती है तो वहां 45,000 से 75,000 रुपए खर्च करने होते हैं।
बिहार कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों को मिली वेतनमान प्रोन्नति। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि बिहार कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों के वेतनमान में प्रोन्नति कर 67,700 से 2,08,700 कर दी गई है। बता दें कि बिहार कैडर में जिन आईपीएस अधिकारियों के वेतन में प्रोन्नति की गई है उनमें स्वप्ना मेश्राम गौतम, सौर्य सुमन, प्रमोद कुमार यादव, सागर कुमार, वैभव शर्मा, सैयद इमरान मसूद, संदीप सिंह, श्रीमती नवजोत सिमी और अरविंद प्रताप शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में पंकज त्रिपाठी निभाएंगे मुख्य किरदार। राजनीति और राजनेताओं से प्रेरित होकर एक फिल्म आ रही है जिसका शीर्षक मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए अटल है। बता दें कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित होगी। इस फिल्म में इनका किरदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी के द्वारा निभाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म उत्कर्ष नैथानी के द्वारा लिखी गई है जबकि इसका निर्देशन रवि जाधव के द्वारा किया गया है। यह 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। हालांकि इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की निजी और राजनीतिक सफर को दिखाया जाएगा। इस फिल्म को लेकर पंकज त्रिपाठी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये पंक्तियां लिखने वाले महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका मुझे बड़े पर्दे पर साकार करने का अवसर मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। राजगीर में गंगा जल योजना का सीएम 27 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 नवंबर को पटना से गंगा जल को राजगीर में उद्घाटन करेंगे। वहीं राजगीर के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा गया और बोधगया में इसका उद्घाटन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जल संसाधन मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2019 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में गंगा जल योजना पर मुहर लगाई गई थी और अब 3 साल से भी कम समय में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसका पानी नवादा जिले से भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ के दौरान गंगा के पानी को स्टोरेज कर गर्मी के मौसम में उन इलाकों में पानी पहुंचाया जाएगा जहां जल स्तर काफी नीचे चला जाता है और पानी टैंकर से पहुंचना पड़ता है। वैसे क्षेत्र के लोगों को इसके जरिए सालों भर पानी मिल सकेगा। खर्चे का हिसाब दे कॉलेज व विश्वविद्यालय, नहीं तो रुकेगा ग्रांट। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नई शर्तें लागू की गई है जो 4-4 शैक्षणिक सत्रों के अनुदान लेने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। सरकार के द्वारा लागू किए गए शर्त के अनुसार जो कॉलेज और विश्वविद्यालय सही समय से हिसाब नहीं देंगे उन्हें काली सूची में डालते हुए उनके अनुदान पर रोक लगा दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा सचिव के द्वारा सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को 30 नवंबर तक का समय देते हुए आगाह कर यह आदेश दिया गया है कि पहले वे सभी 486 करोड़ 27 लाख रुपए का हिसाब दे, उसके बाद ही उनके अनुदान की राशि जारी की जाएगी। बताते चले कि कॉलेजों के द्वारा 2009 से 2015 तक अनुदान की उपयोगिता का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है जिसके बाद संबंधित डिग्री कॉलेजों को 4 स्नातक शैक्षणिक सत्रों के रिजल्ट आधारित अनुदान के लिए 684 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है जिसे रोक रखा गया है। चल रहे आईपीएस आदित्य के मामले की सुनवाई 25 नवंबर को। बिहार के डीजीपीएस के सिंघल को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई से केस डायरी तलब किया था और इसकी तारीख बीते दिन 18 नवंबर को तय की गई थी, लेकिन बीते दिन कोर्ट को केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही पुलिस 1 महीने से फरार चल रहे आईपीएस को गिरफ्तार कर पाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। कोर्ट को डायरी मिलने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बीपीएससी 68वीं से करीब 300 नियुक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं में 300 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। बता दें कि इनमें डीएसपी, कमर्शियल टैक्स पदाधिकारी समेत कई पदों पर रिक्तियां शामिल हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 281 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं उम्मीद यह भी की जा रही है कि अभ्यर्थी शनिवार से यानी कि आज से आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। आज बैंकिंग सेवाएं हो सकती है प्रभावित। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आज यानी 19 नवंबर 2022 को हड़ताल कर आह्वान किया जाना है। माना जा रहा है कि हड़ताल का असर चेक क्लियरिंग से लेकर एटीएम पर कैश की किल्लत तक देखा जा सकता है। वहीं हड़ताल के 1 दिन बाद यानी रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे जिस वजह से लोगों को कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बैंक में लोगों की छटनी की जा रही है, जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि AIBEA के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। SBI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हड़ताल वाले दिन जरूरी कामकाज को सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल की वजह से बैंकों के कुछ कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। कैमूर हिल्स इस वजह से है बेहद खास।
कैमूर हिल्स लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी से बिहार के सासाराम जिले के आसपास तक फैला हुआ है। यह पहाड़ियां मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय से मिलकर बनती है, जो यहां उनके शानदार रूपों और सुंदर आकारों में देखी जाती है। यहां पर बहने वाली नदियां दुर्गम और अनोखे जलप्रपात का निर्माण करती है। मानसून के समय इन जलप्रपातों की अलौकिक खूबसूरती और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य यहां के वातावरण को सुकून और रोमांच से भर देते हैं। इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष, संरक्षित किले, हिंदू देवी देवताओं के पौराणिक और रहस्यमय मंदिर इस घाटी की लोकप्रियता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यह स्थान पर्यटकों को उन्हें प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है। कैमूर घाटी की जैव विविधता, तरह तरह के पंछी, अनेकों जंगली जानवर, मूल्यवान आयुर्वेदिक औषधियां, रहस्यमय मंदिर, दुर्गम किले, प्राकृतिक जलप्रपात पर्यटकों के सफर को उत्साहित, अनूठा और रोमांचित बनाता है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 16 डिग्री से जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 23 डिग्री रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तेजस्वी यादव बेतिया में बिताएंगे 2 दिन। बीते दिन शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वाल्मीकि नगर के लिए रवाना हुए, जहां वे 2 दिनों के लिए रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि वे अशोक स्तंभ के समीप प्रस्तावित पुल के निर्माण पर अधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा के उपरांत इस इलाके को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बता दें कि वाल्मीकि नगर बिहार के पर्यटन स्थलों में से एक है, जिस वजह से यहां पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के कई काम किए जा रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव के दौरे से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां और भी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मौका है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां आए हैं। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि यहां पर्यटन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहां अम वामन में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप के लिए बिहार की टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना। श्री तुलजा भवानी जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उस्मानाबाद महाराष्ट्र में आयोजित 55वीं सीनियर नेशनल पुरुष एवं महिला खो खो चैंपियनशिप 2022-23 में भाग लेने के लिए बिहार की 35 सदस्यीय टीम रवाना हो गई है। यह जानकारी खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव नीरज कुमार पप्पू ने दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आपको बताते चले कि यह चैंपियनशिप आगामी 20 नवंबर से 24 नवंबर 2022 तक महाराष्ट्र में खेला जाना है। महिला वर्ग में मोनिका शाह की कप्तानी में खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। वहीं पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों की कप्तानी की जिम्मेदारी अश्वनी रंजन के कंधे पर होगी। डिजी लॉकर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को करे लिंक और पाए यह सुविधा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के भारत में करोड़ों लाभार्थी हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लाभार्थी अगर अपने खाते को डिजी लॉकर से लिंक कर देते हैं तो उन्हें और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में ABDM अकाउंट होल्डर्स अगर अपने खाते को अगर डिजी लॉकर से लिंक कर देते हैं तो उन्हें कई तरह की दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें दूसरे अस्पताल और लैब के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिससे आपका काम आसानी से निपट सकता है। इसके साथ ही आप पुराने हेल्थ रिकॉर्ड की जाँच भी इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाने गए हैं तो आपके साथ में फाइल्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। केवल इस ऐप के जरिए आप अपने ABDM प्रोफाइल को रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ शेयर कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए सरकार एक पेपरलेस सिस्टम को तैयार करना चाहती है। जगदानंद सिंह को लेकर जदयू का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने और अब्दुल बारी सिद्दीकी का प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर सियासी हलचल तेज है। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसी किसी भी तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अब इस पर जदयू का भी बयान सामने आया है। इस मामले पर जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदानंद सिंह अध्यक्ष रहेंगे या नहीं यह RJD का मामला है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे इसका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदानंद सिंह के
सुधाकर सिंह का जिस तरह से सरकार के खिलाफ बयान आ रहा था उस पर आरजेडी ने कार्रवाई की। जगदानंद सिंह काफी पुराने नेता हैं, कई बार उनकी बात इस समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को उनकी बातों को समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये उनकी पार्टी का मामला है और पार्टी ही इस पर निर्णय लेगी। खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों को सिद्दीकी ने किया खारिज। बिहार के सियासी गलियारे में राजद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने के चर्चे ने जोर पकड़ लिया है और एक ओर जहां कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहना एक दो दिन की बात है, लालूतेश्वर ने फैसला ले लिया है कि जगदानंद सिंह को हटाकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस पद पर लाया जाएगा। इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जगदानंद सिंह के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह राजद के लिए कोई नई बात नहीं है, वह इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों को खारिज कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लाइव सिटी से खास बातचीत में कहा है कि जगदा बाबू अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरा मानना है कि आगे भी रहेंगे। कुर्नी विश्व उपचुनाव में बीजेपी को मिला बीजेपीपी का साथ। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भारतीय जन परिवार पार्टी का साथ मिला है। 5 दिसंबर को होने वाले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के पहले पृथ्वी कुमार माली की भारतीय जन परिवार पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पृथ्वी कुमार ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी है। IMA हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पृथ्वी कुमार माली ने कहा कि माली समाज का हित भाजपा में सुरक्षित है, इस कारण पार्टी और समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि कुर्नी उपचुनाव में अति पिछड़ा समाज से आने वाले भाजपा उम्मीदवार को माली समाज का एक एक कार्यकर्ता अपना मत का सदुपयोग करेगा और भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता का समर्थन देगा। तेजस्वी यादव का दावा, CBI, ED और इनकम टैक्स के छापे होंगे बंद। बिहार में CBI, ED और इनकम टैक्स के छापे को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा यह दावा कर दिया गया है कि जल्द ये सभी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। तेजस्वी प्रसाद ने कहा है कि CBI, ED और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं और उनके निकट के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह कहानी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं होगा और जल्द ही यह सिलसिला भी बंद हो जाएगा। अब इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलने वाला है। 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से जाना ही होगा और इसी के साथ CBI, ED और इनकम टैक्स के द्वारा की जा रही सभी छापेमारी बंद हो जाएगी। भारत के लिए 2022 में किसने बनाए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन। साल 2022 में टीम इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सूर्य कुमार यादव का नाम पहले नंबर पर है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा इस साल 10 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें उन्होंने 38 पारियों में 1256 रन बनाए हैं। इसमें से उन्होंने 29 T20 मैचों की 29 पारियों में 1040 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल है। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि सूर्य कुमार यादव भारत के लिए टेस्ट प्रारूप में नहीं खेलते हैं बल्कि वे सिर्फ वनडे और T20 प्रारूप में ही भारत की ओर से खेलते हैं। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 36 पारियों में 1190 रन बनाए हैं। इस सूची में तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हैं जिसमें से विराट कोहली ने 35 पारियों में 1167 रन बनाए हैं और श्रेयस अय्यर ने 30 पारियों में 1156 रन बनाए हैं। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने 38 पारी खेलकर 916 रन बनाए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 9वें एशियाई खेल 1982 में दिल्ली में शुरू हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। भारत की ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। कर्णम मलेश्वरी ने 1995 में भोरोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया। भारत ने 2006 में परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अल्बरेदई को वर्ष 2008 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की गई। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ। एक प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का जन्म 1838 में हुआ। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का जन्म 1928 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनत अमान का जन्म 1951 में हुआ। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री का सुष्मिता सेन का जन्म 1975 में हुआ। प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का निधन 1980 में हुआ। समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टंडियावा के संस्थापक रमेश भाई का निधन 2008 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 2023 सेक्शन 1 के लिए संयुक्त प्रवेश।
सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 2023 सेक्शन 1 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस घूम रहा है जिसमें दावा किया गया है कि @DGNTA 2023 सेक्शन 1 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि मेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। प्रामाणिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। अब आधार से भी एक्टिव कर सकेंगे UPI, जाने प्रोसेस। फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने ग्राहकों को नई सुविधा दी है जिसके बाद अब ग्राहक अपने आधार कार्ड से भी फोनपे एक्टिव कर सकते हैं। बता दें कि आधार बेस्ड UPI ऑनबोर्डिंग सर्विसेज को शुरू करने वाला पहला UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ऐप है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फोनपे डाउनलोड करें, उसके बाद ऐप में प्रोफाइल पेज खोलें और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टैब पर जाएं और ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन चुनें। इसके बाद बैंकों का चयन करें और लिंक्ड मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें। अब फोनपे आपके अकाउंट की डिटेल्स लेगा और UPI से लिंक करेगा। अब आपको डेबिट कार्ड और आधार कार्ड चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां अगर आप आधार कार्ड से UPI को एक्टिव करना चाहते हैं तो आधार कार्ड का चयन करें और अपने आधार नंबर का अंतिम 6 अंक टाइप करें। ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे आप दर्ज कर दें और फिर अपना UPI पिन सेट कर ले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, नवीन कुमार, राजा रंजन कुमार, विरमानी सिंह, उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, कृष्ण मुरारी यादव, अभिमन्यु कुमार, रविन्द्र पासवान, लक्ष्मी ठाकुर, मनोज कुमार, सुबोध कुमार, नवीन कुमार, मनोज राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के वो कौन एक्टर हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।